नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूदेव चंद्र ब्लॉग। भूदेव चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको फिर से एक बार खेत की ओर लिए चलता हूं। और मेरा आज का वीडियो मेरे अपने गांव का खेतों का हालात दिखाऊंगा। और इस वीडियो में आप लोग बने रहें, ठीक है, चलते हैं। ये देख सकते हैं मेरे गांव के खेतों का हालात। ये बात का खेत है, जहां तक देख सकते हैं, जहां तक नज़र जा रहा है वहां तक कहीं धान की रोपाई नहीं हुई है, क्योंकि इस साल बारिश सही से हुआ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये बिहीन जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, खेत में पानी की गुंजाइश नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। अभी सुबह के टाइम करीबन 8 बजे हैं, देख सकते हैं खेत सूख गया है। थोड़ा बहुत पानी है खेत में, तो इस पानी से काम नहीं चलने वाला है। खेत की रोपाई के लिए खेत का भरा जाना ज़रूरी है, देख सकते हैं। जहाँ गांव की खेतों का हालत, अभी धूप दे रही है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, और गांव के खेत जो है खेत में पानी नहीं है, इसमें किसान बदहाल हैं। किसान को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, पानी नहीं होने से खेत की रोपाई नहीं हो सकती है। आपको जहां तक नज़र आएगा वहां खेत ही खेत नज़र आएगा, लेकिन कहीं कहीं रोपाया, कहीं नहीं। 100 में 90% नहीं रोपाया, 10% रोपाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को जहाँ तक नज़र आ रहा है, यहाँ से लगभग 1000 एकड़ ज़मीन हमको यहाँ से नज़र आ रहा है, 1000 एकड़ ज़मीन लगभग रोपाई नहीं हुई है। बारिश ना होने के कारण बहुत ही स्थिति दयनीय है, और 1000 एकड़ की रोपाई ना होना मायने रखता है। आप लोग देख सकते हैं ठीक है दोस्तों मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो इस क्षेत्र को भ्रमण करके, इस क्षेत्र को देख के मुआवजा देने का कष्ट करें किसान भाइयों को, ताकि किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। 1000 एकड़ मायने रखती है। मैं तो ये अपने गांव का रिपोर्ट बता रहा हूं, ठीक है, और इस पूरे झारखंड में यही स्थिति है हमको लगता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय किसान।